Students, today we will start with truth. We had done P, truth, हमने कुछ समझाया जरूर था थोड़ा सा, बट उसी को ही हमने आगे जो है हमने डिटेल करनी है truth के बारे में. So first is truth, truth. False truth and another third is parthenocarpic truth. True fruit which develops only from ovary part of plant. Ovary part of flower. Sepals, petals, and stamens wither off. For example, mango. और भी बहुत सारे हैं, but mango is, you know, कॉमन ट्रू फ्रूट. उसके बाद आ जाता है फॉल्स फ्रूट. पहले इधर देखो और समझो बेटा, ठीक है, फिर लिखना. फॉल्स फ्रूट इन विच ओवरी इज एसोसिएटेड विद अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. For example, apple. अगर हम एप्पल में देखेंगे बेटा, एप्पल में क्या है, you know, this is thelema and this is ovary. And here, there are ovules. So after fertilization and further development, this is thalamus. सबसे पहले तो दिस विदर ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल, इट विदर्स ऑफ, ये अलग हो जाता है. दिस इज ओवरी हैविंग सीड्स एंड द थैलेमस. It becomes fleshy. To form the fruit. This is the edible part. Ye jo hai. The edible part is fleshy thalamus. And this is corky ovary with seed. जो हम बेटा एप्पल खाते हैं, जब हम उसको काटते हैं तो जो बीच में से corky टिश्यू निकालते हैं, actually that is the fruit. True fruit जो है, या हम कहेंगे ovary part जो है, वो है जो हम खाते हैं. वो क्या है actually, ये fleshy thalamus. Same is the case, one is apple. सेकेंड आ जाती है स्ट्रॉबेरी और थर्ड है कैश्यू नट. हियर ऑल्सो इन दोनों में भी
Thalamus is associated with ovary. जरूरी नहीं कि बाहर ही हो, कई बार ओवरी में प्रोट्रूड कर जाता है तो बीच का पार्ट थैलेमस जो है वो बन जाती है. राइट, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी अगर हम देखें, जो सेंट्रल थोड़ा सा हार्ड पोर्शन है दैट इज थैलेमस. और यहाँ पे यू नो सीड्स अटैच्ड ओव्यूल पार्ट है एंड दिस इज द फ्रूट पार्ट. सो थैलेमस इज ए पार्ट ऑफ फ्रूट, इट इज एसोसिएटेड विद द ओवरी पार्ट, सो इट इज स्ट्रॉबेरी. इट इज ए फॉल्स फ्रूट. लाइक वाइज कैश्यू नट इज ऑल्सो ए फॉल्स फ्रूट. ठीक है जी. एंड देन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, फ्रूट फॉर्म कैसे विदाउट फर्टिलाइजेशन. सीड्स क्या होते हैं? सीड्स आर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स. तो क्योंकि यहां पे फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है तो सीड्स बनेंगे ही नहीं. तो सच फ्रूट्स आर सीडलेस. बनाना इज नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. ठीक है. और यहां पे इसके नीचे ही पॉइंट लिखना है, वेरियस हॉर्मोन्स such as external supply of auxins can induce parthenocarpy. बेटा आजकल आप जो है ना कुछ ग्रेप्स खाओ तो ग्रेप्स में आपको सीड्स मिलते ही नहीं है. पहले ग्रेप्स खाते थे या अब भी खाते हो उसमें मोटे मोटे से सीड्स होते हैं, बट कुछ ग्रेप्स की वैरायटीज ऐसे होंगी जहां पे आपको सीड्स नहीं मिलेंगे. सो दैट ग्रेप्स आर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. इस तरह से बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनमें हमने आर्टिफिशियली पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर दी है, दैट आर यू नो सीडलेस फ्रूट्स. बट अगेन अनदर थिंग, देयर आर सम प्लांट्स या देयर आर सम फ्रूट्स जिसके सीड्स ही हम खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, उसका सीड खाते हैं, उसमें पार्थिनोकार्पी डाल देंगे तो खाएंगे क्या फिर. लाइक वाइज इन पोमेग्रेनेट, अनार है, अनार के हम सीड्स ही तो खाते हैं. सो इट इज यूजलेस टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन केस ऑफ पोमेग्रेनेट. राइट, सो नेचुरल पार्थिनोकार्पी भी कुछ प्लांट्स में है और कुछ प्लांट्स में क्या है, दैट इज पार्थिनोकार्पी इज इंड्यूस्ड टू ऑब्टेन सीडलेस फ्रूट्स सच एज. बहुत अच्छी एग्जाम्पल जो है आजकल पपाया देख लो, सीड्स मिलते ही नहीं है बहुत सारे पपाया में. अनदर आर ग्रेप्स, दीज आर पार्थिनोकार्पिक. राइट, पहले आप ये लिख लो और फिर मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल लिखवाऊंगी जहां पे हमने नेचुरल पार्थिनोकार्पी इंड्यूस की है. ओके, लिख लो ये. चलिए जी, तो इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी मैंने बताया कैसे इंड्यूस की जाती है, बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन्स. इट इज जनरली डन इन केस ऑफ ग्रेप्स, लेमन, टोमेटो, और भी बहुत होंगे बट ये कॉमन है. एंड पार्थिनोकार्पी यूजलेस इन प्लांट्स सच एज पोमेग्रेनेट, कोकोनट, वेयर सीड्स आर एडिबल. इसलिए यहाँ पे यूजलेस है, कोई जरूरत नहीं है इन प्लांट्स में करने. राइट, देन सेकेंड कैटेगरी आ जाती है बेटा, फ्रूट्स जो है
दे कैन बी सिंपल एग्रीगेट एंड कॉम्पोजिट। ध्यान से समझना बेटा। कॉम्पोजिट फ्रूट तो वो है विच डेवलप्स फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस, विच डेवलप्स फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस यू नो क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स है, जो पूरा इनफ्लोरेसेंस फ्रूट बनाता है दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिट फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल मोरसेल्वा शहतूत, मलबरी, इज ए कॉम्पोजिट फ्रूट। उसके बाद एग्रीगेट फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी। मल्टी कार्पेलरी मीन्स मेनी कार्पल्स एंड ऑल कार्पल्स आर फ्री। एपोकार्पस मीन्स फ्री कार्पल्स, मेनी कार्पल्स इन द फ्लावर एंड ऑल कार्पल्स आर फ्री इन द फ्लावर। So the fruit formed is called as aggregate fruit. For example, blackberry, hamara main kaam hai simple fruit se. Simple fruit it develops from मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस ओवरी। सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, या तो फ्लावर में एक ही कार्पल है या फिर अगर बहुत सारे कार्पल्स है तो वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, दैट इज कॉल्ड एज मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस ओवरी। ठीक है, सिंपल फ्रूट्स जो है दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन से टाइप के है? वन इज फ्लैशी फ्रूट्स एंड अदर इज ड्राई फ्रूट्स। फ्लैशी फ्रूट्स एडिबल पार्ट फ्लैशी। यहाँ पे एडिबल पार्ट ड्राई एक्सेप्ट लीची। लगेगा हमें लीची की ये फ्रेश फ्रूट है बट इट इज ए ड्राई फ्रूट। क्यों ड्राई फ्रूट है ये? जब इसका एडिबल पार्ट फ्लैशी है देन व्हाई इट इज कॉल्ड एज ड्राई फ्रूट। तो दूसरा है पेरिकार्प। पेरिकार्प मीन्स ओवरी वॉल या फ्रूट बॉल। डिफ्रेंशिएटेड इनटू एपिकार, मीजोका एंड एंडोका, थ्री लेयर्स। अभी मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, मैंगो में जो उसका छिलका पील इज मेम्ब्रेनस एपिकार। आजकल बहुत सारे मिल रहे हैं, देखना जरा अगर उसका छिलका है तो वो है एपिकार। उसके बाद जो जूसी पार्ट है, जूसी या फ्लैशी पार्ट, फ्लैशी
एडिबल पार्ट जो है वो क्या है, इस मीजोकार्प। जो हम खाते हैं वो क्या खाते हैं, लोग तो चलो एपिकार्प भी खा लेते हैं कुछ लोग, बट जनरली एडिबल पार्ट क्या है, इट इज मीजोकार्प। और उसके बाद जो बेटा गुठली निकलती है, गुठली को तोड़ोगे तो उसमें से, कभी तोड़ के देखिए गुठली उसकी, मैंगो का जो गुठली है खाओगे ना आजकल में, जब लाओगे उसने तोड़ के देखी है, उसको तोड़ना तो बीच में से सीड निकलेगा, तो वो बाहर गुठली का वो जो हार्ड सा कवर है वो क्या है, वो है एंडोकार्प, राइट। तो टोनी एंडोकार्प, विच एनक्लोज सीड, राइट, क्योंकि एंडोकार्प स्टोनी है, +1 में किया है, इसलिए इसको स्टोन फ्रूट भी कहते हैं। लाइकवाइज कोकोनट, कोकोनट का बेटा जो एपिकार्प है ना, वो जो कच्चा नारियल है, नारियल पानी वाला नारियल की मैं बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो तो बिल्कुल ही कच्चा हो जाता है, जो दूसरा नारियल जो हम जिसकी गरी खाते हैं, ठीक है, वो वाला नारियल लेके आओ, तो उसका जो एपिकार्प है ना वो लेदरी, वो पहले से रिमूव करके आते हैं, फिर उसके हम उतारते हैं, कॉयर उतारते हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज मीजोकार्प। फिर हम उसको तोड़ते हैं तो वो जो लकड़ी का पार्ट है, व्हाट इज दैट, दैट इज एंडोकार्प। और जो अंदर से जो नारियल निकलता है, जो हम खाते हैं, दैट इज द सीड। सो हेयर ऑल्सो कोकोनट में भी जो एंडोकार्प है वो क्या है, स्टोनी है, दैट्स वाई लाइक मैंगो कोकोनट इज ऑल्सो ए स्टोन फ्रूट। इज इट ओके, समझ में आई मेरी बात। बनाना है, बनाना इज चाहे पार्थिनो कार्पिक है, बट जो एपिकार्प है, जो उसकी छिलका है वो हम रिमूव कर देते हैं, जो अंदर केला है उसके, दैट इज मीजोकार्प। आप देखते हो केले के ऊपर कई बार उसके धागे धागे से निकलते हैं, दैट इज मीजोकार्प। और जो हम खाते हैं, धागे भी हम खाई लेते हैं, और बाकी का जितना है दैट इज एंडोकार्प। तो जो बनाना है उसमें एपिकार्प इज लेदरी एंड इज नॉट एडिबल, वेयर एज मीजोकार्प एंड एंडोकार्प इज एडिबल, तो इट इज ए फ्लैशी फ्रूट, 3 लेयर्स है उसकी। इसी तरह अगर आप ऑरेंज देखो, ऑरेंज का सबसे पहले हम छिलका उतारते हैं, फिर उसके ऊपर से फिर धागे से उतारते हैं, फिर उसका पेपरी पार्ट, खा तो हम जाते हैं बट उसका पेपरी पार्ट है, छोटे से बच्चे को अगर खिलाना हो तो इस पेपरी पार्ट में से हम जो जूसी हेयरी स्ट्रक्चर है वो हम निकालते हैं और वो हम बच्चे को खिलाते हैं, एम आई राइट, ठीक है ना। फाड़ियां जो निकालते हैं हम ऑरेंज की, वो पेपरी पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट निकाल के बीच में से जो हेयर है, जूसी हेयर है, वो हम बच्चे को खिलाते हैं। तो एपिकार्प इज दैट छिलका, मीजोकार्प इज फाइब्रस, और जो मेम्ब्रेनस पार्ट है दैट इज एंडोकार्प, और जो अंदर जो खाया जाता है, व्हाट इज दैट, दैट इज जूसी प्लेसेंटल हेयर, दैट इज एडिबल। तो 3 लेयर्स है फ्रूट वॉल की, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो ए फ्लैशी फ्रूट, राइट। उसके बाद है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में अगर हम लेग्यूम्स देखे, दालें देखे, तो दालों का जो है हमें अंदर से, अगर आप देखोगे, लेट अस से अगर आप काले चने, भुने हुए चने ले लो, वो भी तो लेग्यूम्स में ही आते हैं, तो उसमें क्या बाहर छिलका होता है और अंदर के कॉटिलेडन्स हम खा जाते हैं, सीड हम खा जाते हैं, यस और नो, ठीक है। तो जो बाहर का छिलका है दैट इज फ्रूट वॉल, दैट इज पेरिकार्प, विच इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इंटू एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। सफेद चने भिगो के रख दो और उसके ऊपर का छिलका थोड़ा सा मलो उसको, जब वो भीग जाएंगे तो उसका ऊपर से उतारो तो उसका मेम्ब्रेनस सा छिलका उतर जाएगा, अंदर जो 2 कॉटिलेडन्स है वो अलग अलग हो जाएंगे, सो दैट इज सीड। जो बाहर मेम्ब्रेन थी, व्हाट इज दैट, दैट इज पेरिकार्प, नॉट डिफ्रेंशिएटेड इंटू एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। इसी तरह ग्रेन्स है, जितने भी है, मक्की है, गेहूं है, राइस है, ये सब भी क्या है, इसमें भी पेरिकार्प इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एपी, मीजो एंड एंडोकार्प, देयरफॉर इज ए ड्राई फ्रूट। बट अगर हम आलमंड देखें, बादाम देखें, काजू देखें, या यू नो दैट हम वो देखें क्या कहते हैं, वॉलनट्स देखें, ऑल दीज 3 आर फ्लैशी फ्रूट्स, दे आर नॉट ड्राई फ्रूट्स। कह देते हैं हम ड्राई फ्रूट्स बट ये सभी के सभी फ्लैशी फ्रूट्स है। क्यों फ्लैशी फ्रूट्स है, क्योंकि इसका जो हमें बादाम है, लेट अस से हम आलमंड की बात करते हैं, इसका एपिकार्प और मीजोकार्प पहले उतर के आता है,
जो एंडोकार्प है वो स्टोनी है, जिसको हम तोड़ते हैं वो सिर्फ एंडोकार्प है, और अंदर हम क्या खाते हैं, सीड हम खाते हैं, राइट। तो जो ड्राई फ्रूट्स एक्चुअल में है, दे आर नॉट एक्चुअली ड्राई, दे आर फ्लैशी फ्रूट्स, बिकॉज देयर पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मीसोकार्प एंड एंडोकार्प। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है आपकी सिलेबस में, इसलिए हम लिखेंगे नहीं, बट मैंने आपको इन जनरल वैसे ही बताया है, ठीक है। तो अब लीची कैसे ड्राई फ्रूट है ये मैं आपको बताती हूँ। अभी पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड, इन लीची एरिल इज एडिबल, एरिल एक्सटेंशन ऑफ प्यूनिकुलस विच सराउंड्स ओव्यू, ठीक है। यहां पे चलो देखो, कि ये ओवरी पार्ट है, इसमें ये ओव्यूल था, इसमें जो ये फ्यूनिकुलस थी ये आगे एक्सटेंड कर रही है और ओव्यूल को सब तरफ से घेर रही है, ठीक है। थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए आपको, फ्यूनिकुलस है ये, सीड तो उसके अंदर है, सीड तो हम बाहर घेर देते हैं। फ्यूनिकुलस जो है, जो एक्सटेंड किया था ये सिर्फ दिखाने के लिए है, वो हम खाते हैं, ठीक है। और जो फ्रूट कहाँ है, तो फ्रूट जो उसका छिलका है दैट इज पेरिकार्प, है ना। लीची हम छीलते हैं, दैट इज पेरिकार्प। अंदर क्या है, एरिल है जो हम खाते हैं, और उसके अंदर जो है वो ओव्यूल पार्ट है, सीड है जो हम घेर देते हैं। इज इट ओके, बिकॉज पेरिकार्प इज अनडिफरेंशिएटेड इन लीची, देयरफॉर इट इज ए ड्राई फ्रूट। इज इट ओके, ठीक है, लिख लो ये। मैम हाँ जी बेटा, तो या एपोमिक्सिस एंड फिर एक देखिए दोबारा से, कि ये एक ओव्यूल है, इसमें ये एम्ब्रियो सैक बननी शुरू हो गई है, और इसके बाहर क्या है, ये सारा न्यू सेलस है जो इस एम्ब्रियो सैक को बड़ा करने में हेल्प करेगा, इसकी ग्रोथ है, ये सारे न्यू सेलर सेल्स हैं। अब धीरे धीरे एम्ब्रियो सैक बड़ी हो रही है, एंड वन ऑफ द न्यू सेलर सेल ये वाला इसके अंदर प्रोट्रूड हो रहा है, ठीक है। एक न्यू सेलर का सेल्स वो एम्ब्रियो सैक के अंदर जा रहा है, दैट्स इट। अगेन दिस इज ओव्यूल, ये एम्ब्रियो सैक बड़ी हो गई,
फर्टिलाइज भी हो गई, इसके अंदर ये है एम्ब्रियो सैक, और यहाँ पे यू नो लेट अस से ये आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन गया। और यहां से जो सेल था एंडोस्पर्म सेल, सॉरी न्यूसेलर सेल, आई एम सॉरी, न्यूसेलर सेल न्यूसेलस क्या था, टू एन था, पहले से स्पोरोफिटिक टिश्यू है, इट प्रोट्रूड इन द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप्स इनटू अनदर एम्ब्रियो। एक और इसने क्या बनाया है, न्यूसेलर सेल ने एक और एम्ब्रियो बना दिया। लेट अस सी इसी स्टेज पे दिस इज न्यूसेलर एम्ब्रियो, बट इस तरह से कई हो सकता है एक से ज्यादा न्यूसेलर सेल्स अंदर जाके एम्ब्रियो बना दे। तो अब ये जो सीड बनेगा, द सीड इट डेवलप्स इन टू इनटू सी हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो। एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियोस है, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियोज होंगे तो उसको हम कहेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। आउट ऑफ वेरियस एम्ब्रियोज, इनमें से जो दो तीन चार जो भी बने हैं, वन इज एम्प्टी मिक्टिक, और यू कैन से फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो। जो ओरिजिनल है वो तो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है, बाकी के क्या है, एंड अदर्स आर एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। एग्जाम्पल किसमें मिलती है, सिट्रस में, मैंगो ठीक है। तो एपोमिक्सिस क्या है, ये तो मैंने आपको समझा दिया, ध्यान से देखो इधर एपोमिक्सिस है क्या, फिर मैं बताऊंगी किस तरह से लिखना है। तो व्हाट इज एपोमिक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियोज, डिप्लॉयड ही होने चाहिए, डिप्लॉयड एम्ब्रियोज फ्रॉम डिप्लॉयड पेरेंट स्पोरोफिटिक टिश्यू, पेरेंट स्पोरोफाइट से बनने चाहिए स्पोरोफिटिक टिश्यू विदाउट फर्टिलाइजेशन। कौन से पेरेंट्स स्पोरोफाइट है, न्यूसेलस है, इंटेग्यूमेंट्स है, फ्यूनिकुलस है, ये सब पेरेंट्स स्पोरोफाइट है ठीक है। तो दे मे बी फॉर्मड ऑफ न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स फॉर्म्ड ऑफ या फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ, ये कर लो सेल्स ऑफ न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट्स और फ्यूनिकुलस।
दैट इज एपोमिक्सिस, जो पेरेंट स्पोरोफाइट से बने विदाउट मियोसिस एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सच एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज विल बी डेवलप्ड, है ना। और ये दिस इज एपोस्पोरी, राइट, एंड इट इज कॉमनली सीन इन केस ऑफ सिट्रस एंड मैंगो वेयर वन एम्ब्रियो इज फर्टिलाइज, इट डेवलप्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओव्यू, फर्टिलाइज्ड जाइगोट, वेयर एज द अदर्स दे डेवलप फ्रॉम न्यूसेलर सेल्स। Is it okay? So the this is polyembryony, जब एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियोज हो और उसमें से एक एम्ब्रियो फर्टिलाइज जाइगोट से बनता है, बाकी के एम्ब्रियोज जो है वो स्पोरोफिटिक टिश्यू से बनते हैं। सिट्रस एंड मैंगो में वो स्पोरोफिटिक टिश्यू कौन सा है, दैट इज यू नो न्यूसेलस। इज इट ओके, ठीक है। सो एपोमिक्सिस की पहले डेफिनेशन लिखो, फिर लिखो एग्जाम्पल सिट्रस एंड मैंगो और फिर उनकी ये बना लो। और यहाँ पे एक जहां पे एपोमिक्सिस लिखोगे यहाँ पे लिख लेना, इट इज कॉमन इन मेंबर्स ऑफ फैमिली एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी कौन सी है, सनफ्लावर फैमिली है। एंड पोएसी, पोएसी है ग्रास फैमिली, ग्रासेस आ जाएगी, जितने सीरियल्स आ जाते हैं वो आ जाएंगे। एस्ट्रेसी एंड पोएसी में एपोमिक्सिस बहुत कॉमन है। एक लास्ट पॉइंट इसमें, दैट एपोमिक्सिस mimics, apomixis is an asexual reproduction, क्योंकि fertilization तो होती नहीं, which mimics, नकल करती है sexual reproduction। जैसे ही embryo बन रहा है जैसे sexual reproduction से बनता है, इसलिए हम इसको कहते हैं that is apomixis। To form diploid embryos or seeds भी कह सकते हैं, और seeds from इसे labeling proper करनी है सब। Importance of apomixis, apomixis की importance किसमें है, mainly hybrid plants में है। कैसे, जैसे देखिए कि हमने प्लांट ए लिया प्लांट बी लिया, इनकी क्रॉसिंग की और जो सीड्स मिले दैट विल बी हाइब्रिड सीड्स, दीज आर सोन एंड दीज आर हाइब्रिड प्लांट। अब ये हाइब्रिड प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, हम चाहते हैं कि हमें ऐसे ही हाइब्रिड प्लांट्स मिलते रहे। अब हम कहेंगे भी हाइब्रिड बना लिया एक बार, बस इसके सीड्स लो जर्मिनेट कराओ, हमें हाइब्रिड प्लांट्स ही मिलेंगे। बट व्हाट हैपेंस कि हाइब्रिड प्लांट्स में इनकी क्या हुई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मियोसिस हुई। मियोसिस में क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम्स इधर जाते हैं कुछ क्रोमोसोम्स इधर जाते हैं, ठीक है। तो मियोसिस में क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यू टू विच सीड्स फॉर्म्ड मे नॉट हैव all characters like hybrid plants।
ये तो हमेशा ही होता। ठीक है, देयरफोर अगर हाइब्रिड प्लांट्स में एपोमिक्सिस हो जाए, एपोमिक्सिस फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो सीड्स होंगे, सीड्स आर द क्लोन्स ऑफ पेरेंट हाइब्रिड प्लांट्स। दस एपोमिक्सिस इट मेंटेन्स पेरेंटल करेक्टर, इट मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर्स ऑफ द प्लांट। सो हाइब्रिड प्लांट्स की अगर हमने वेराइटी मेंटेन करके रखनी है तो उसमें हम क्या, उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एपोमिक्सिस इज इंपॉर्टेंट, एपोमिक्सिस मेंटेन्स देयर हाइब्रिड करेक्टर। इज इट ओके, समझ में आई? ठीक है जी, सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। तो आप लिख सकते हो इट इज इंपॉर्टेंट मेनली इन हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है जी, लिख लो। चलिए जी, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड नाउ वी विल डू द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके।